दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करना होगा और मेरी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे इसके लिए आपको ये बेल आइकॉन का बटन क्लिक करना होगा। में आपका स्वागत है। आजकल गर्मियां चल रही हैं और हम लोग को सभी को पेट की प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने सोचा आज डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी और गर्मियों में भी रिफ्रेशिंग एक मसाला छाछ की रेसिपी आपके संग शेयर करती हूँ। चलिए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है। इसके लिए हमें दही चाहिए, पुदीने की पत्तियाँ चाहिए, थोड़े सी धनिया चाहिए और नमक। मसाला बनाने के लिए हमें नमक, भुना जीरा का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, आप क्रम्बल थोड़ा दुर्दरी पिसी हुई काली मिर्च भी ले सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं, और काला नमक, और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए। सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें हम अपनी पुदीने की पत्तियां डाल देंगे, धनिया की पत्ती डाल देंगे और 2 चम्मच दही डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। अब हमारा ये मसाला पीस गया है, अब मैं इसमें अपने दही डाल दूँगी। छाछ गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। गर्मियों में अक्सर हमें पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन कम होता है, तो इसके लिए छाछ बहुत अच्छा ड्रिंक है। भुना जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, काला नमक, काला नमक तो वैसे ही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और काली मिर्च, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालें। छाछ पतली होती है, बहुत गाढ़ी छाछ नहीं होती है। हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अब हमारी मसाला छाछ तैयार हो गई है, अब मैं इसे ग्लास में डाल लेती हूँ, सर्व कर लेती हूँ। ये तैयार हो गई हमारी मसाला छाछ, अब मैं इसको पुदीने के पत्ते से गार्निश कर देती हूँ। थोड़ा सा हम हींग जीरे का पाउडर इसमें ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लीजिए, तैयार है हमारी मसाला छाछ। इसको आप गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर में सबको पिलाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।